क्या भाई, तू खुद को पैन पकड़ के पबजी का हीरो समझ रहा है क्या? एक्चुअली पानी थोड़ा बढ़ गया है, देखो हम लोग जहाँ से क्रॉस करते हैं वो जगह पे देखो ज़्यादा पानी है। मैं इसको जंप करके क्रॉस किया था। आज करोगे? आदमी जंप करके क्रॉस कर लिया। चलो कोई नहीं लाया तो नहीं। हाँ रखो अभी फिलहाल के लिए। भैया लॉक किया हुआ है तो चलो जल्दी से हम अपना टेंट सेट कर लेते हैं। नहीं यस, आप लोगों को थोड़ा लोकेशन दिखा देता हूँ, कितना मस्त लोकेशन है देखिए। चलो जल्दी से एयर मैट बिछा देते हैं, ठीक है ना, उसके बाद आगे का देखेंगे। आ जाओ टिंकू, चलो एयर मैट बिछाते हैं। आप पहले है सोलो कैंपिंग में अकेले ही करता हूँ, ठीक है ना? ठीक है, तो आज ग्रुप कैंपिंग, ग्रुप कैंपिंग आज मेरा रिलैक्सेशन डे है भाई। हम लोगों तो आज मेरा फन डे है। हम लोगों तो भूख बड़ी जोरों की लगी है, पहले खा लेते हैं उसके बाद पहले पेट पूजा फिर काम दूजा क्योंकि अभी टाइम हो गया करीब 1:50। मैंने भूख लगा है इसको, लेकिन चट भी करीब दोपहर के 1:30 हो गए, भूख बड़ी जोर की लगी, इसलिए सारा कुछ सेटअप करके घर से लेके आए भजिया। घर से नहीं मतलब दुकान से खरीद के लेके आए भजिया, लेके अभी खा रहे। खाने के बाद ना जाएंगे स्ट्रेट मछली पकड़ने, क्योंकि लास्ट सोलो कैंपिंग वीडियो में इसी टाइप का लोकेशन में किए थे, उसमें बहुत जन बोले कि भाई यहाँ पर आपको ना फिशिंग करना चाहिए रॉड से, तो रॉड लेके आया हूँ फिशिंग रॉड, यहाँ से मछली पकड़ेंगे। ठीक है, गारंटी नहीं, गारंटी है भाई, फुल गारंटी है, नहीं मिलेगा उतना गारंटी मेरे तरफ से नहीं मिलेगा। मिलेगा हाँ, मछली मिलेगा लेकिन फिशिंग रॉड से ना मिल सकता है, लेकिन बाकी भाई हमारा तो फिशिंग नेट है ही, तो भाई भयानक मजा होने वाला है। बस तीन जन मिलके बहुत मस्ती करेंगे, अपना पर्सनल टाइम स्पेंड करेंगे और मजे काटने वाले, और बात करते करते ना भाई ये लोग भजिया पूरा खा लिए, चांस मिला इन लोगों खा लिया। हम लोग रेडी अपना गेटअप पे आ गए मछली पकड़ने का, देहाती गेटअप, ठीक है ना भाई। चलो अभी क्या करते हैं, फिशिंग नेट डालेंगे, आप लोगों को दिखाते हैं। तो वो वाला मीडियम वाला लेके आ जाए। देखिए गाइस, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हम लोग डालने वाले हैं छोटा नेट, क्योंकि हम लोग बहुत सारे छोटे मछली देखे हैं यहाँ पे, वो उस टाइम जो पकड़े थे ना, ये लंबा वाला एक कैंपिंग है सोलो कैंपिंग वीडियो में एक लंबा वाला मछली पकड़े थे, वो गार फिश टाइप का, वो फिश भी देखे यहाँ पे, तो ये वाला यहाँ पे डलने वाला है। और जो मीडियम साइज़ का है ये वाला नेट, वो डलेगा यहाँ पे। पर आप लोग को एक चीज़ बता दूँ भाई, ये है ना ठंड का मौसम, रात को सुबह शाम को भयानक ठंड है, और अभी इस टाइम ऐसा फील हो रहा है कि भाई पूरा गर्मी का सीज़न है, इतना भयानक आ चुके हम लोग। हाँ, इतना भयानक धूप है, कड़कती हुई धूप, मज़ा ही कुछ और है इसका। नहीं चलो पहले छोटा नेट डाल देते हैं और उसके बाद हम लोग जाएंगे रॉड फिशिंग करने।
तुम लोग मछली खदेड़ रहे हो। GoPro एक और चिंटी। भाई नेट छोटा पड़ जाएगा ना, बड़ा पड़ जाएगा, छोटा क्या बोलूं? भाई बड़ा छोटा कुछ नहीं पड़ेगा। तो गाइस हम लोग डिसाइड किए हैं कि ये जो मीडियम साइज का जो नेट है इसको यहाँ पे डालेंगे और जो बड़ा साइज का जो नेट है वो उसको वहाँ पे डालने वाले हैं। देखते, होप करता हूँ कल तक मछली मिल जाए हम लोगों को अच्छा खासा, और रॉड में भी फंस जाए अच्छा खासा। उसका कोई गारंटी नहीं। इसका गारंटी है हो गया। और ये देखो आप लोगों को दिख रहा कि नहीं, क्या पता पूरा हेलीकॉप्टर जा रहा है। इधर 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 बचा, सर्वाइवल करते हुए आके फंस गए। गाइस देखिए वहाँ पे हमारा हेलीकॉप्टर आ रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और हम चले घर की ओर। बाय बाय, चलो कूदो। तो गाइस हम लोग का रेस्क्यू हो गया, इधर सक्सेसफुल रहा ये वाला, घर पहुँच गए हम। तो टेंट फेंट पैक कर लेते हैं तुरंत, जल्दी से जल्दी। ये टिंकू भाई हर टाइम कुछ ना कुछ भूलते रहता है। क्या भूल गया? क्या भूल गया लाने? आवाज नीचे, आवाज नीचे। करते करते हमें लग चुका है प्यास, तो अभी मैं आ चुका हूँ पानी भरने के लिए। यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला तो हमें उस तरफ कुछ मतलब लग रहा है कि मछली कूद रहा है ऐसा लग रहा है, तो हम लोग इसके लिए आगे कास्टिंग करने जा रहे हैं। तो आगे चल के देखते हैं। क्या राजे भाई तुम खाम का डूबते हुए जा रहे हो? तो बहा ले के जा रहे हैं, जा नहीं पा रहा मैं। उठ गया लगने लगेगा, अभी से लग रहा है। नहीं भाई जल्दी से लग, अंदर बैठ के क्या कर रहा है? मजे ले रहा है क्या? मैं गर्मी ले रहा हूँ। गर्मी लाया था वो अच्छे से, याद है उसे ही किया भाई, ठंड लगने वाला है रात को। सो दोस्तों हम लोग तो आ गए फिशिंग करके, जैसे कि मैं बोला था जो फिशिंग रॉड से मछली मिलने का गारंटी
बिल्कुल नहीं है, उसका गारंटी मेरा है। बिल्कुल गारंटी है नहीं मिलने का, वही तो बोल रहा हूँ ना, उसका गारंटी राजू का, तो इसीलिए हम लोग को नहीं मिला। ठीक है ना, तो जो भी होगा गाइस अभी क्या करना है हम लोग का, चंपारण मटन बनाना है, चंपारण मटन बनाना है क्योंकि भूख बड़ी जोर की लगी है। अरे हम लोग का ये बाकी अभी भी वो खाना, हाँ वो भजिया अभी भी है, चलो खाएंगे। पहले काम करते हैं, दो काम बाकी है ठीक है ना, एक एक है टेंट को पूरा सेट करना पहला काम, और दूसरा काम ये है लकड़ी लाना। तो गाइस इधर आ जाओ भाई, टिंकू भाई आया। तो गाइस दो काम में से टेंट को सेट करना मतलब जो एयर मैट का ब्लो करना टिंकू करेगा, और हम दोनों जा रहे हैं लकड़ी इकट्ठा करने। ठीक है चलो, अरे ये दे अंदर से कुल्हाड़ी, सौ और कुल्हाड़ी दोनों दे दे। तो गाइस देखिए आसपास जो आप लोगों को धुंधला दिख रहा है, पानी के अंदर बहुत टाइम रहा था इसलिए, और इस बीच देखो सोंटू बहुत बड़ा एक लकड़ी काट लिया, बढ़िया। और भी काटेंगे, लकड़ी कर दोगे। ये भी सही है, इसको तोड़ो बस। ये भाई कुल्हाड़ी और ये सब को क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं, हल्क ये दो रात भर चल जाएगा नहीं, हाँ आराम से। बस हमें बस लकड़ी निकालना पड़ेगा और कुछ नहीं, हम लोग का काम तो इजी हो गया। टीम हम लोग आगे करोगे ना? नहीं बाबा, हाँ हाँ बाबा करो करो ब्लो करो ब्लो करो अच्छे से ब्लो करो, सीख जाओ ब्लो करना। एक बार में दो आवाज आग लगा देते, लेकिन गाइस पीछे का जो नजारा है ना, मतलब भाई साहब क्या ही लग रहा है भाई, क्या ही नजारा है। ऐसे नज़ारे ना भाई हज़ार बार देखो फिर भी नया लगता है, मस्त लगता है। चलो जल्दी से आग लगाते हैं ताकि हम लोग ये नज़ारे के साथ ना बैठ के थोड़ा भजिया खा सके। नहीं जो हमने रखा हुआ था, जो रखा हुआ था क्या ही आग चल रहा है, तांडा हो गया अभी, तांडा। हवन करेंगे हवन करेंगे भाई, गाना है ना बोले, वो जो कबीले में नाचते थे ना ऐसे करते, कबीले वाला नहीं बे, बोलो क्या करेंगे, हमन करेंगे, हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे स्वाहा नहीं पे, वो जो कबीले में नाचते थे ना ऐसे एक गदा जिंगल लाला हु हु। ए चलो भजिया खाते उसके बाद डांस करेंगे। ठंड तो नहीं लगेगा पर हम लोग जल जाएंगे पक्का, ऐसा आग हो रहा है। नहीं एक चीज है, ये जो नदी के किनारे जो लकड़ी मिलता है भयानक जलता है, उसका मॉइस्चर नहीं रहता ना। जला ना डाले आग, हाँ सुकून यही आग हमें जला ना डाले। आग आज तक से सबसे खतरनाक आग जल रहा है, भयानक आग है, ठंड भी ऐसा है ना, भयानक ठंड भयानक आग। तो चलो भाई हम लोग अपना प्रिपरेशन करते नहीं खाना बनाने का, भूख लगा है, और हम लोग सुबह भी कुछ खा के नहीं निकले थे, सुबह भी कुछ खा के नहीं निकले थे, नहीं सिर्फ तीन इडली। इसमें बालू बंद हो गए, इसमें बालू बंद, इसमें थोड़ा लग गई, देखो तू पोसने वाला लेके आना हमारा जो लहसुन पे ऐसे जाने वाला ना, हाँ नमक
गाइस देखिए हमारा चंपारण के लिए मटका, ज़्यादा मटन नहीं है, गरीब लोग हैं ना हम लोग, गरीब है, कम मटन लाए इसलिए छोटा मटका। गरीब हूँ मैं गरीब हूँ। एक काम करो, तुम पहले उसको ये काट दो, पीछे काट दो, तुम्हें छिलके सारे। अरे है ना क्या भूख की वजह से नहीं, क्योंकि मटन ऐसा चीज है ना, इसका स्मेल अगर चला गया फिर मजा नहीं आया, मतलब स्मेल इसका अगर खुशबू चला गया मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। टमाटर लाल लाल टमाटर, टिंको तो काम कर आटा गूंद, आटा चलो अभी हमारा जो मटन है उसको रेडी करते हैं चंपारण के लिए। चंपारण अभी देखो पूरा प्रॉपर चंपारण रेसिपी शायद ना हो सके, ठीक है ना, लेकिन काइंड ऑफ उसी टाइप का एक प्रेशराइज्ड हमारा जो क्ले पॉट में बनने वाला है। और क्या सब बढ़िया, दो दो बड़ा तेज पत्ता डाल देते हैं हम, अपना खड़ा मसाला भूल के आ गए घर में क्योंकि हम गजनी हैं। लो भूल के नहीं ले, एक्चुअली गलती से शायद छूट गया। सूखा सूखी मिर्च तीखापन के लिए, बाद में इसके अंदर बहुत सारा ऑनियन, टमाटर, हल्दी, तीखी मिर्च, भाई तीखा बहुत होने वाला है आज लग रहा है, हम लोग जितना सारा कुछ दे रहे हैं। गरम मसाला जो कि ठंडा है, नहीं ठंडा है, क्यूमिन पाउडर, जीरा पाउडर, और भाई सबसे इम्पोर्टेंट सरसों का तेल, भाई इसको मिक्स करना है। आलू में डालोगे? डालेंगे आलू, लास्ट में डाल देंगे। चलो इसमें गाइस पानी डाल देते हैं थोड़ा, क्योंकि उसके बाद ये पूरा सील हो जाएगा, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा बस। चलो अभी इसको पूरा सील कर देते हैं अच्छी तरीके से, ताकि हवा से वो होल्स कर निकले। क्या क्या होल्स कर निकले? तिलियल बोल भाई, तिलियल बोल। क्या बोल रहा है समझ भी नहीं। मैं तोतला हूँ, तोतला, तिलियल बोल, तिलियल। मैं तोतला हूँ, मेरा बाप भी तोतला था, मेरा दादा भी तोतला था, बोला ऑर्केस्ट्रा में गाना गाता था, गाता ला है माला दिल, तू ही मादी मंदिल, ए मंदिल मंदिल। हाँ हाँ मैंने सुना था, मैंने सुना था। अबे इसका बाप गाता, तू कैसे सुन? क्या ही है भाई।
भाई साहब बोले उसका बाप गाता था ये सुनता था भाई। चलो हो गया रेडी। इसमें अभी तक नहीं हुआ है सर। उसको साइड में जला देंगे क्या हुआ? ओ भाई साहब बहुत चुका है। अब हमारा चंपरन जाएगा इसके अंदर। हम पितरी मैट। चलो मजा आया। मजा आया मैं लेकिन थोड़ा साइड होगा इसको स्ट्रेट रखना पड़ेगा। तो चलो ये तो बैठ गया ठीक है। अभी हमारे पास डेढ़ दो घंटा का टाइम है। हम लोग जाते हैं कार्ड खेलने के लिए ठीक है ना। आप लोग देखो कैसे बन रहा है यहाँ पे चंपारण ठीक है। तो आपका जिम्मेदारी है अगर जल गया तो आपकी जिम्मेदारी। बेड बढ़िया से रेडी हो गया है। अब उसको रहने दे ना, बेड के ऊपर ही बैठ लेंगे तीनों। क्या हम लोग यहाँ पे खेल रहे हैं ना सीक्वेंस। आप लोगों को सीक्वेंस आता है खेलना? बहुत जन को आता होगा नहीं। एक्चुअली कॉल ब्रेक सबको आता होगा, मैक्सिमम लोगों को आता होगा, लेकिन सीक्वेंस थोड़ा अलग है भाई। बड़ा मजा आता है, हम लोग मैक्सिमम टाइम यही खेलते हैं। सफल मारना सीख गया भाई, सफल मारना सीख गया भाई, कितना खुश है। खुशी अरे इतनी खुशी, इतनी खुशी भाई जिंदगी में तो नहीं देखा था भाई। हम लोग गेम तो होगा मेरा और टिंकू के बीच ठीक है। तुम तो भाई बैठे हो यहाँ पे, क्या बोलते हो उसको, झक मारने के लिए। झक मारने की लायबिलिटी यहाँ पे बैठे हो। हम लोग जीतने के लिए खेलते हैं, हारने के लिए। ए भाई क्या है, अभी जस्ट इसको फेंका हूँ भाई, वही आ गया। चलो इसकी टेंट के अंदर उतना ठंड नहीं है, वो तो जाना चाहिए। सो दोस्तों हम लोग का मटन क्या था, चंपारण 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 मटन शायद कंप्लीट हो चुका है ठीक है ना। हम होप करते हैं कंप्लीट हो जाए। एक घंटा 15 मिनट के आसपास हो गया है। अब इसको निकाल लेते हैं। ये थोड़ा ये कर दो, हिल 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 थोड़ा हिला लो, गरम ठंडा हिला दो बोले थोड़ा हिला लो। क्या बात है भाई, मटके को थोड़ा हिला लो भाई। ऐसा वर्ड पे मत जाओ, फीलिंग्स को समझो, फीलिंग्स को। क्या लग रहा है, स्मेल तो बहुत मस्त आ रहा है। पता नहीं यार पानी वानी है कि नहीं। तो इसको आग के साइड में रख देते हैं, और थोड़ा साइड में बनना जितना पाए वो भी सोक न हो जाए। नहीं 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 होगा, यहाँ पे तो उतना गर्म है भी नहीं एक्चुअली। तो राइस बना लेते हैं हम। हाँ तो ये तो रेडी हो चुका है, इसको निकाल लिए हैं। अभी बगल में हम लोग जल्दी से राइस बना लेते हैं क्योंकि भूख बहुत तेज लगी है। हम लोग कार्ड खेलते खेलते करीब एक डेढ़ घंटा हो चुका है। हाँ चलो चलो लेके आओ चावल, चावल लेके आओ, वो लेके आओ तुम। चूल्हा रेडी करो, बढ़िया ठीक है। पकड़ के देखो गिरेगा फिर नहीं। नहीं गिरेगा, नहीं गिरना तो नहीं चाहिए। अभी यहाँ पे आग लगाना पड़ेगा ठीक है ना। छोटा छोटा लकड़ी, छोटा छोटा लकड़ी वो सब उस साइड से इधर लाओ। हो गया ना, हो गया हो गया। ऑलरेडी अभी इसको इसके ऊपर बस ऐसे रख देते हैं ठीक है, साइड में रख देते हैं। हाँ वही। और अभी टाइम टू, अभी टाइम है ओपन द चंपा कला मटन रेडी करने का टाइम है, चंपा की कला। तो टिंकू लेके आओ चंपा कला, चंपा कला। हेलो लेके आओ। अरे भाई ये तो पूरा हार्ड हो गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे चंपा कला, हैप्पी बर्थडे टू यू। गरम है अभी भी पूरा, गर्मा गर्म खाएंगे भाई। फोकस सही से है ना इस पे पूरा। हाँ
पूरा चंपक कलर की खुशबू है। रेडी है, रेडी है। ओह भाई पानी थोड़ा कम हो गया। हाँ पानी थोड़ा कम हो गया, थोड़ा क्या बिल्कुल कम हो गया। अरे पानी टोटली नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल भी पानी नहीं इसमें, पूरा सूखा सूखा खाना पड़ेगा। लगता है उसी टाइम में निकाल देना चाहिए था हमको, जब वो साइड में रखे थे ना। हाँ हाँ पूरा पानी बिल्कुल नहीं है। तो गाइस चलो हम अपना डिनर प्लेट रेडी करते हैं। इस भी बढ़िया बना है, है ना? मस्त, मजा आएगा आज खाने में। बस हमारा मटन कैसा बना है वो अलग बात है, पता नहीं। मेल तो मस्त आ रहा है, जबरदस्त मस्त मेल आ रहा है, अच्छा लग रहा है। और देखने में तो भाई एक बड़ा सा आलू का पीस, ओए होए पूरा सॉफ्ट हो गया है। और उसके साथ साथ एक लहसुन, और फिर आएगा अभी हमारा बारी मटन का। जय बोलो मटन की जय, जय हो चंपारण मटन की जय। टेस्ट अच्छा बस होना, बाकी जयकार तो हम लोग गाते ही रहेंगे। नहीं हाँ, पूरा सॉफ्ट हो गया है, पता है मटन पूरा सॉफ्ट हो गया है। देख के तो लग रहा है अभी खा के पता चलेगा। थोड़ा जूस ले लेते, ज़्यादा जूस तो है नहीं, बहुत ही कम है। हम लोग आज प्लेट नहीं लाया बोल के किस किस में खाना पड़ रहा है। पूरा सॉफ्ट नरम हो गया है। बहुत गर्म है। ओ भाई साहब एक्चुअली हम लोग बहुत दिन बाद मटन खा रहे हैं। एक्चुअली घर में भी बहुत दिन मटन नहीं खाया हूँ। और भाई अभी वाव टिंकू भाई का तो बोलती बंद हो चुका है, मजा आ गया भाई। मेरा तो सच में बोलती बंद हो गया। पूरा सॉफ्ट हुआ है भाई, मस्त बनाएगा सीरियसली। गाइस लीजिए आप लोगों के लिए है, पूरा देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। आ गरम है, पूरा सॉफ्ट हो गया है, मस्त। यही चीज़ है भाई ऐसे बनाने का, कुक करने का ना, पूरा सॉफ्ट हो जाता है। अभी मटन तो खा लिया, बिना एक ग्रेवी के साथ थोड़ा चावल ट्राई करके देखते हैं। ये गाइस हम अपना शुरू करते हैं। वाह बहुत ही सही हुआ है, तीखा बहुत ज़्यादा हुआ है रे। तीखा लग रहा है? हाँ खा के देखो भाई चावल के साथ, बहुत। तुषार खा के बताओ कैसे टेस्ट हुआ। पहले तो मैं अपने मुंह में जो पानी आ रहा है उसको पी लूँ। इतना सॉफ्ट बना इसमें जो आ रहा है प्याज की वजह से स्वीटनेस, और जो टमाटर डाल उसका थोड़ा सा खट्टापन, और ये तीखा है भाई, पूरा परफेक्ट कॉम्बिनेशन है इसका। मतलब ये जो इसके हिसाब से जो परफेक्ट होने ही बोलूँगा, क्योंकि हम लोग इसमें चिकन भी बनाए थे, ठीक है ना। मतलब उससे तो टेस्टी है क्योंकि मटन है, मटन लेकिन है। उस हिसाब से जितना टेस्ट होना चाहिए उतना नहीं हुआ, थोड़ा फीका पड़ गया। नहीं मेरे हिसाब से थोड़ा फीका तो मस्त है भाई, तुम लोगों से ही लग रहा है पूरा। नहीं मुझे थोड़ा फीका लग रहा है, इन्हें और भी थोड़ा टेस्टी हो सकता था भाई। मटन तो मेरा फेवरेट है, जैसे कि हमारा नहीं है फेवरेट। लेकिन भाई मटन का जो मैंने स्वाद आ रहा है इसका, मीट का, हाँ, मस्त आ रहा है। ग्रेवी उतना बोलूँगा नहीं मैं, उधर बैठ पाएगा बहुत तेज है, इधर आ जाए तो चला आया मैं। वही तो बोल रहा, मतलब हम लोग ट्रेन के अंदर बैठ के भी आग सेक सकते हैं। सो दोस्तों हम लोगों का खाना कंप्लीट हो चुका है,
क्या चंपक मटन नहीं चंपक लाल मटन कंप्लीट हो चुका है क्योंकि वो तो चंपारण मटन तो बना नहीं था लेकिन जो भी हो तीनों बैठ के बड़े मजे से खाया और तुषार भाई ने बड़े मजे से और बड़े टाइम से खाया। हम लोग करीब आधे घंटे के ऊपर हो गए हम लोग का खत्म हो चुका है ये जस्ट अभी उठाए खा के आधे घंटे में 40 मिनट होगा शायद नहीं। जो भी हम लोग ना मस्त से एंजॉय करके बातें करके भाई इतना मतलब तीखा हुआ था। टिंकू पहले बोला था कहाँ तीखा है उसके बाद बोल रहे भाई तीखा बन से मेरा मतलब पसीना निकल रहा है। तो कुछ नहीं हुआ तीखे बन से उतना तीखा बना नहीं था भाई साहब। देखो इसका सीरियसनेस देखो ऐसा बोल रहे अगर बोलेगा तीखा बना है मतलब इसको फांसी पे चढ़ा दे। नहीं तीखा नहीं बना था उतना तीखा लगा नहीं मेरे उतना नहीं मजा लगा मजा आया खाने में मजा आया मतलब एक बैलेंस था। अभी हम लोग ना आराम से यहाँ पे करीब 15-20 मिनट हो गए बैठ के आग सेक रहे हैं। यहाँ से उठकर जाने की भी मन नहीं कर रहा है तो और थोड़ा 15-20 मिनट ऐसे ही बैठेंगे उसके बाद आराम से चलेंगे। नहीं अभी चल जाएंगे जाके कार्ड खेलना है ना थोड़ा और 10 मिनट बैठ जाते हैं ना 10 मिनट बैठते हैं उसके बाद आराम से जाएंगे अपने टेंट के अंदर। टेंट के अंदर से आग सेकेंगे होगा वो बड़ा जो ये है ना लकड़ी है वो वाला लाके डाल देंगे रात भर मस्त जलता रहेगा। टेंट में जाके हम लोगों को खेलना है कार्ड्स 1-1.5 घंटा कार्ड्स खेलेंगे उसके बाद जाकर सोएंगे। जब नींद आ जाएगा थकान महसूस होगा तब सो जाएंगे। भाई मजा आया भाई बहुत मजा आया। ये पानी कहाँ पे रखो पानी इसको बाहर रखते हो वरना भाई चलो लेंस रख रख दो राजे भाई लगने वाला है। अरे भाई ये देखो मेरा भी हो गया ये देखो लाइक अब मैं देखता हूँ। अरे भाई साहब ये देखो मेरा भी लाइफ ओ भाई चल ले खेल ले एक्चुअली अगर ये चीज पूरा एक्चुअली में आवाज आवाज के साथ दिखाया जाए भाई उबालना पड़ेगा क्या तो क्या ऐसे ही उबालना तो पड़ेगा ही तो वो अच्छे से भाई और लिक्विड और लिक्विड जो ना रे वॉशिंग पाउडर वाटर वगैरह डाल दिए इसके अंदर वॉशिंग पाउडर निर्मा अंदर अंदर का सब क्लीन हो जाएगा दूसरी सब दी ना इसलिए निर्मा डाल दिए होंगे। चाय तंदूरी चाय ये मेरा वाला है ये देखो 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 कैसे ये हो रहा है नहीं गया मुँह में अच्छे से लो अच्छे से आज भाई मीठा सही हुआ है हमें थोड़ा कम है तुम लोगों को तो लगेगा ही थोड़ा कम अभी रेडियो एक्चुअली क्या है ना मैं अभी थोड़ी देर में डिसाइड किया हूँ कि सबसे पहले नेट ही देख लेते हैं एक कुछ मतलब आइडिया लग जाएगा कि भाई क्योंकि भाई हम लोग रॉड फिशिंग करेंगे नहीं मिलेगा फिर दिमाग में रहेगा चलो नेट में तो कुछ तो फंसा होगा है कि नहीं लेकिन अभी निकाल लेंगे तो हम लोग को पता होगा कुछ नहीं घंटा नहीं फंसने वाला दिमाग में कुछ भी नहीं रहेगा।
भाई, ये धुआं का हटाओ रे। नहीं देखो, ये भगवान है, नेचर है, ठीक है ना, ये सजा अपने आप दे ही देता है। देखो देखो धुआं जो करो। हाँ मेरी जान, हाँ मेरी जान, चलो चलो मछली पकड़े। हाय हाय, यहाँ पे तो सही लग रहा है, बाहर ठंड है ना थोड़ा दूर। इस बार गोप्रो में पूरा मॉइस्चर जम गया, इसलिए आप लोग ऐसे दिखा नहीं पा रहे। गोप्रो ने धोखा दे दिया गाइस हमें। अच्छा खासा साइज का है, साइज मस्त है। अरे भाई काट रहा है। टिंकू भाई तुम पानी में मत लो, तुम वैसे छोड़ दोगे। हाँ। कौन सा मछली आके खाया पता नहीं। सेट भाई नेट पूरा ऊपर है, कैसे फंसेगा भाई। हम लोग गलती कर दी, सेट नीचे है बोल के फंसा है पता है। ये देखिए, ये देखिए भाई कितना बड़ा बड़ा साइज का मछली है। मुझे तुमको क्या लग रहा है इसमें मछली होगा। टिंकू का बहुत भरोसा है इसमें मछली होने का। जरूर जरूर होगा, मुझे लग रहा है। देखो उस नेट में ना एक बड़ा मछली फंसा था जो मतलब जाल को फाड़ के निकल आ गया, तो निकलने के बाद यही एक जाल है इसमें नेट में आके फंसना चाहिए, इसी नेट में, ठीक है ना। तो हिसाब से भाई फंसना चाहिए। तो तुम इस यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम जाओ उससे खोल के लेके आओगे ना, ला पाओगे इतना इतना वजन हो गया है ना इसका। दो चार किलो मतलब सीरियसली बहुत ज्यादा वजन फील हो रहा है। दो चार किलो मछली हो गया इसमें। हां भाई वो है उस साइड पे भी है। हाय ओ भाई, इसमें 10 ओ भाई, ओ भाई एक रहा दो और कहां पे फुदक रहा है। फुदक फुदक जितना हो सके फुदक, बस वही मछली है, सारा सारा वही सेम मछली। नहीं मछली है साइज मस्त है। नहीं मछली बढ़िया। और कुछ जाता कोई नहीं, चलो अभी भी बड़ा नेट तो बाकी है हमारा। नहीं देखते उसमें तो घंटा कुछ नहीं फंसने वाला। कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है ना। इधर नहीं उधर नहीं, तो इसको पकड़ के बैठे, हवा आ रहा है इस तरफ से। रुको रुको मैं टी शर्ट डाल देता हूँ, क्या जरूरत है। सो देखिए हम लोग का जो जितना भी मछली मिला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, वाह 14 मछली मिल गया। तो ये रहा हमारा मछली। अभी देखो भाई, अगर ज़्यादा मछली मिलता तो हम लोग का बढ़िया एक डिश का प्लान था, सेकंड पार्ट बनता इस वीडियो का, और लंबा होता, बढ़िया बनता, लेकिन मिला नहीं। इसलिए अभी फ़िलहाल हमारा जो फेवरेट है ईपी नूडल्स, उसके साथ फिश फ्राई। फिश फ्राई बस। लास्ट वाला ग्रुप कैंपिंग आप लोगों को इसका अलग पार्ट दिखा दिया था, लेकिन इस बार स्कैम नहीं, इस बार एक ही पार्ट में दिखा रहे हैं सारा। तो चलो जल्दी से हमारा ईपी करीब करीब तैयार होने को है, और ये तैयार होते ही बढ़िया से इस साइड से आ रहा है वो, इधर से। हाँ इधर से रुक रुक। तो ऑडियंस को भी दिखे ना ईपी बन रहा है। ईपी तो करीब करीब बन चुका है, उसके बाद मछली फ्राई करेंगे और खा के निकल जाएंगे। बड़ा एडजस्टमेंट में चल रहा है नहीं, लेकिन इसका भी अलग मजा है। चिपक नहीं जा रहा है ना, क्योंकि नया पैन है ना, थोड़ा डाउट लग रहा है। क्या हुआ क्या हुआ, ये मछली खाने में मस्त लगता है नहीं। सब कुछ मतलब बढ़िया सोफिस्टिकेटेड देखते हो हम लोग चैनल में, आज थोड़ा जंगली दिख रहा है एडजस्ट। लेकिन भाई फैन बढ़िया आ रहा है। खुशबू 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 मस्त दिख रहे हैं, दिखे मस्त रहे, स्मेल भी बढ़िया है। इस चीज को पकड़ने की हम नाकाम कोशिश किए। चिटकू
दोस्तों ऐसा लग रहा है ना हमारे यहाँ पे समर सीजन चल रहा है, बाहर धूप में इतना ज्यादा गर्मी है। तो चलो पहले क्या, हम तो पहले खाएंगे मच्छी। कहाँ गया मच्छी? ये रहा, काटो फिशो। नदी का फिश का टेस्ट ही अलग है, फ्रेश। क्या लग रहा है भाई, भूख बड़ी जोरों की लगी थी। और उसके बाद हमारा फेवरेट नूडल्स के साथ मछली फ्राई, ताजा मछली फ्राई भाई। ये भी क्या ही लग रहा है भूख की वजह से। नहीं ऐसा लग रहा है कल का चंपक मटन से भी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। नहीं चंपक दाल मटन, क्योंकि इतना भूख लगा है। और काइंड ऑफ ये हमारा कैंपिंग का काइंड ऑफ फेवरेट खाना, फेवरेट डिश। हाँ मैक्सिमम टाइम हम लोग खाते हैं, मस्त लगता है। ओ गाइस, अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा ग्रुप कैंपिंग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए, ठीक है ना। और आपका फेवरेट पार्ट क्या था इस वीडियो में नीचे कमेंट कर दीजिए जल्दी से जल्दी फटाक से। और पता है हम लोग को मछली मिला नहीं, लूजर लोग हैं हम लोग मछली के मामले में, ठीक है ना, और कोई मामले में नहीं। बोरिंग खाएंगे।